सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के कुछ एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यार बहुत ही खास है बिकॉज मैं आ गया हूँ लौट के अपने घर दुबई वापस। तो उसी बैकग्राउंड के साथ मैं आपके लिए लेके ये नई वीडियो और ऐसे दोस्तों बात करते हैं कल के पोल की जहां मैंने आपसे पूछा था मेरी अपकमिंग ट्रिप के बारे में। तो आप 78% बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है, बाकी लोगों ने कुछ गैसेस किए हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत हैं। तो अभी दोस्तों होने वाली है ट्रिप ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद, देखोगे मैं भैया कहाँ जाने वाला हूँ, मिलेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। और ऐसे में दोस्तों आज का सवाल ये है कि अभी इंडिया में इसी महीने कुछ नए फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, जहां पे Oppo का एक फोन आने वाला है, जहां पे Realme का एक नया फोन आने वाला है, जहां पर दोस्तों इसके अलावा Xiaomi का एक Poco फोन आने वाला है। तो ऐसे में आप किस फोन के लिए इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, मुझे बताना क्या है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में। और इसी बात पे सभी बातों को मिला के एक स्पेशल लाइक तो बनता है दोस्तों। यहां पे आज की वीडियो दोस्तों बता दूं आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कि अभी कुछ गिव अवेज के रिजल्ट्स आना बाकी हैं, तो आपके पास में आज रात का लास्ट मौका है। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया दोस्तों, मैं रिजल्ट निकालने वाला हूं कल शाम को। इसके अलावा थोड़ा सा सॉरी कि यार जो वीडियो है वो देरी से आ रहा है बिकॉज आज दिन भर मुझे बहुत 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 ज्यादा काम था, जरा से भी मुझे फुर्सत नहीं मिली, तो मैं बस जस्ट अभी फ्री हूं वीडियो बनाने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक और बात, कल के लिए एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मेरी तरफ से दोस्तों बहुत बहुत बधाई हम सभी को आपस में हमारी आजादी की। और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हम ऐसी आजाद बने रहेंगे और हमारे देश को आगे लेके जाते रहेंगे। इसी बात पे एक और स्पेशल लाइक और जरूर बनता है दोस्तों। यहाँ पे जो पहला अपडेट है वो निकल के आता है कैसे क्वाड कॉप्टर को लेके, जहां पे यार वो सिर्फ दोस्तों उड़ने वाला सिस्टम नहीं है, नीचे यहाँ पे लेग्स भी हैं कि वो चल भी सकता है। या लेग्स जो है वो लगते हैं ऐसे कि वो मोमबत्ती अगरबत्ती दोस्तों टाइप के हैं यहाँ पे लेग्स, लेकिन कंसेप्ट काफी यूनिक है कि क्या पता भैया कभी नीचे टिक टिक के चलना पड़े, क्या पता कभी इस क्वाड कॉप्टर की अगर बैटरीज वगैरह लो हो जाए तो भैया क्या पता ये एक बैकअप सिस्टम होगा, क्या पता यहाँ पे अगर ऑब्स्टेकल्स हैं तो बच के निकलने की दोस्तों प्लानिंग है, या कुछ भी कह सकते हैं कि ये एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है कैसे क्वाड कॉप्टर को लेके, जहां पे नीचे टांगे भी हैं चलने के लिए। तो सुनो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S10 को लेके। और सैमसंग मोबाइल दोस्तों CEO बोलते हैं मिस्टर DJ को कि ये पहला फोन नहीं होगा 5G के साथ में, यानी कि दोस्तों आपको इससे पहले शायद कोई और फोन देखने को मिल जाए जिसमें होगी 5G कनेक्टिविटी। अब ये Huawei की तरफ से आता है या Oppo Vivo की तरफ से आता है या एप्पल की तरफ से आता है या नोकिया की तरफ से आता है, देखते हैं क्या होता है दुनिया के पहले 5G फोन के बारे में। जो मैंने देखा था मोटोरोला का मोटो Z3 वो दोस्तों सिर्फ एक मॉड वाला अलग सा सिस्टम था, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर एक फोन की जिसमें 5G बिल्ट इन हो। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। और ये दोस्तों साउथ कोरिया में एक इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा सेंसर डेवलप किया है, बेसिकली एक स्टिकर की तरह है दोस्तों, आप इसको लगा सकते हैं अपने हाथ पे और उसके बाद में ये बहुत सारी चीजें दोस्तों यहां पे मॉनिटर कर सकता है ह्यूमन हेल्थ से जुड़ी हुई। तो कंसेप्ट बड़ा ही अमेजिंग सा है, जहां पे दोस्तों ये डायरेक्टली जो है डेटा वो कैप्चर भी करता है, उसको ट्रांसमिट भी करता है, आपको फील भी नहीं होता कि आपने कुछ हाथ में पहना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो एक्टिविटीज चल रही है आपके हार्ट की, आपकी मसल्स वगैरह की, काफी अमेजिंग कॉन्सेप्ट है उसको मॉनिटर करने का। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है JioPhone 2 को लेके, और इसकी शुरू होने वाली है फ्लैश सेल। क्या बात है, ये भी चल पड़ा Xiaomi के रास्ते दोस्तों। यहाँ पे 16 अगस्त को 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी दिन में इसकी फ्लैश सेल। फोन के फीचर्स आपको कुछ मालूम ही है, तो क्या आप इस फोन को लेने में इंटरेस्टेड हैं? मैं कोशिश करूंगा JioPhone 2 की एक वीडियो बना दूं, लेकिन अभी क्या मैं कहीं ट्रैवल भी नहीं कर पा रहा हूँ और फोन दुबई आता नहीं है, तो मतलब कुछ अजीब सा हिसाब किताब है। देखो कब मिलता है उसका मौका, लेकिन हालांकि इसकी फ्लैश सेल तो है ही, देखते हैं क्या मिलता है रिस्पॉन्स। आपकी क्या राय मुझे बताना जरूर नीचे JioPhone 2 के बारे में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ भैया नेटफ्लिक्स से कॉम्पिटिशन जो है वो थोड़ा सा और दूर करने की, जहां पर मूवी दोस्तों सिनेमा वाले हैं वो भैया, क्योंकि अभी लोग जो है वो घर पे लेटते हैं आराम से अपने सोफे पे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अमेजोन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह, तो वो भी क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि यार ऐसा क्या किया जाए कि मूवी हॉल्स में लोग आए और मूवीज देखें। मतलब धीरे धीरे दोस्तों लोग हैं वो आना थोड़ा कम कर चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों बात हो रही है अभी 3-screen डिस्प्लेज की, जहां पे एक स्क्रीन सामने 2 screens साइड में, और आपको इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा कि मतलब आप हो जाओगे कंफ्यूज कि भैया सामने देखेंगे साइड में देखें, और यहां पर दोस्तों मूवी होगी ऑलमोस्ट आपके चारों तरफ। और ऐसे में यहां पर दोस्तों कोरिया वगैरह में इसको टेस्ट भी किया गया है। दोस्तों ये आ सकता है फिर शायद एक नया बहुत ही कमाल कॉन्सेप्ट, जहां पे 3-3 screens है मूवी हॉल में,
ताकि आप नेटफ्लिक्स के अलावा थोड़ा टाइम वहां पे भी गुजार लें। तो सर अगला अपडेट निकल गया है वो यहाँ पे ओप्पो के R17 प्रो को लेकर, और यहाँ पे दोस्तों किया गया इसको टीज और मालूम चलता है इसके अंदर हो सकता है स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर और साथ में दोस्तों कैमरा वेरिएबल अपर्चर वाला जो था हमने देखा भैया सैमसंग गैलेक्सी S9 में और नोट 9 वगैरह में। देखते हैं कि यहाँ पे ये फोन क्या काम करता है, क्या कुछ नया करता है, और जो कैमरा है क्या वो वाकई में अपर्चर अपना चेंज करता है या नहीं। तो सर अगला अपडेट निकल गया है वो यहाँ पे गूगल की डीप माइंड को लेके, और यहाँ पे एक ऐसे दोस्तों नए प्रोडक्ट की बात हो रही है जिससे जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े आराम से दोस्तों और अच्छे से एक्यूरेटली पता लगा पाएंगे कि जो पेशेंट है उसकी आंखों में भैया क्या क्या दिक्कत है दोस्तों, बिकॉज बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अननोटिस्ड चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स AI की मदद से बात हो रही है कि कैसे हम किसी की आईज को एकदम एक्यूरेटली टेस्ट कर पाए और देख पाए कि भैया वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके बाद में उनका सही तरीके से इलाज भी किया जाए। दोस्तों अगला अपडेट निकल गया था वो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के एक कुछ नए साइबर लॉज को लेके, जहां पर दोस्तों जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनको फाइन हो सकता है $10 million का, यानी कि करीब करीब 51 करोड़ रुपए का, अगर वो कस्टमर इंफॉर्मेशन को या फिर दोस्तों जो उनका डेटा है उसको शेयर नहीं करते हैं ऑस्ट्रेलियन पुलिस के साथ में, क्योंकि यहां पर दोस्तों एक नया लॉ बन गया है। देखते हैं कि भैया जो कंपनीज हैं वो डेटा किसका देती हैं ऑस्ट्रेलियन पुलिस के सामने या फिर खाती हैं इस फाइन को $10 million 51 करोड़ रुपए, देखो क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया दिल्ली की तरफ से, और भैया वैसे तो दिल्ली वाले पिछले काफी काफी सालों से इंतजार कर रहे थे फ्री वाईफाई का, लेकिन फाइनली यहाँ पर दोस्तों एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जरिए दिल्ली में आ गया है हाई स्पीड फ्री वाईफाई। हालांकि ये पूरे शहर में नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी काफी लोकेशन पे है, और इसके अलावा दोस्तों और बहुत सारे स्मार्ट चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। फिर चाहे अगर मैं बात करता हूँ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की, यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा चाहे वो कचरा उठाने की मशीन हो या फिर दोस्तों हो भैया सोलर ट्रीज जहाँ पे आपको जो है वो बहुत सारे स्मार्ट फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज अभी दोस्तों यहाँ पे होने वाली है दिल्ली में, जहाँ पे रोड स्वीपर से लेके और वाईफाई तक सब कुछ काम जो है वो होने वाला है मशीन्स के जरिए। देखते हैं हम और कितना अच्छे से डेवलप कर पाते हैं हमारे अपने दिल्ली को। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे इंडिया में इसरो की तरफ से बहुत ही कमाल गुड न्यूज, जहां पे अभी इसरो दोस्तों हर महीने 2 नए स्पेस प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो अभी लिस्ट है वो बहुत लंबी हो चुकी है और ऐसे में मिशन बहुत सारे तैयार भी हैं। तो अभी आप दोस्तों समझ लो कि 31 लॉन्चेस होने वाले हैं टोटल 16 महीने के टाइम में, ऑन एवरेज 1 महीने में 2। तो इसरो जो है वो स्पेस के मामले में दोस्तों काफी कमाल काम कर रहे हैं, और देखते हैं कि आगे हमको और क्या नई गुड न्यूज मिलती है इसरो की तरफ से। दोस्तों अगला अपडेट निकल जाता है वो है भैया यहाँ पे 11 साल के बच्चे को लेकर, जहां पर दोस्तों कर दिया इन्होंने हैक US वोट वेबसाइट की एक रेप्लिका वेबसाइट को भैया बहुत जल्दी चुटकी बजाते ही मिनटों में। और यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं डेफकॉन की, जहां पर कॉम्पिटिशन दोस्तों ने रखा गया था पता लगाने के लिए मतलब क्या चीज यार कितनी सिक्योर है, तो इन भैया ने भैया कर दिया हैक बहुत ही जल्दी, सिर्फ 11 साल के है ये हैकर। ऐसे में आप दोस्तों से बात करता हूं इलेक्शंस की लेट से, जहां पर दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव चीज है कि भैया जो वोट्स हैं उनकी गिनती सही से की जाए, जो वोट्स हैं वो सही तरीके से लोग अपने दोस्तों जो है वो कास्ट कर सके। तो आपका एक्चुअल मानना क्या है कि क्या है बेस्ट तरीका, क्या वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, क्या वो वोटिंग मशीन हो सकता है, क्या वो पर्ची वाला सिस्टम होगा, बिकॉज सभी पे दोस्तों अपने अपने प्रोज हैं अपने अपने कॉन्स हैं। तो आपके ख्याल से बेस्ट एकदम सिक्योर तरीका क्या हो सकता है वोटिंग का, बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल गया था वो है यहाँ पे ट्विटर की तरफ से, जहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ ट्विटर लाइट के बारे में, और यहाँ पे भैया इंडिया में आप इसको यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन में। ये जो ऐप है इसका साइज कम है, ये डेटा को भी कम कंज्यूम करता है, और आपको दोस्तों मिल जाता है ट्विटर का एक्सपीरियंस अपने फोन में। तो अगर आपको लग रहा था कि भैया ट्विटर ऐप बहुत ही भारी है और भैया बहुत ज्यादा जो है वो सही ऑप्टिमाइज्ड नहीं है मेरे फोन के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं ऐसे में ट्विटर लाइट ऐप को। दोस्तों फाइनल अपडेट निकल गया था वो है यहाँ पे डायबिटीज मॉनिटरिंग को लेके, क्योंकि यार ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा इशू बनता जा रहा है धीरे धीरे, और ऐसे में जो स्मार्टफोन्स हैं क्योंकि वो एक सबसे ज्यादा कॉमन गैजेट है, तो अभी दोस्तों यहाँ पे पेटेंट्स के ऊपर बात चल रही है कि कैसे हम स्मार्टफोन्स में ही दोस्तों लगा दें ऐसा कोई सिस्टम जहां पे आप अपने डायबिटीज को मॉनिटर कर पाए, आप इसको चेक कर पाए। तो यहाँ पे अभी आगे चल के शायद बहुत जल्दी ऐसा कुछ सिस्टम आने वाला है जहां पे हम देख पाएंगे कि मोबाइल फोन से आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने ब्लड शुगर लेवल को, लेकिन देखते हैं कि वही पेटेंट्स का है भैया कंप्लीट हिसाब किताब की कौन सी कंपनी इस चीज को पहले लेके आती है। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देख लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।